पिछले कुछ सालों में इंडियन गवर्नमेंट ने इंडिजिनस डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में मेक इन इंडिया इनिशिएटिव को बढ़ावा देने के लिए कई तरह के पॉलिसी मेजर्स और इन्वेस्टमेंट्स को लागू किया है, जिसके बहुत सारे अच्छे परिणाम भी देखने को मिले हैं। पर इंडिजिनाइजेशन के इस प्रयास ने जाने अनजाने में कुछ स्पेसिफिक वेपन सिस्टम्स की प्रोडक्शन कॉस्ट को 30 से 40% तक बढ़ा दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 2014 में शुरू किए गए मेक इन इंडिया इनिशिएटिव का उद्देश्य भारत को एक ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब में ट्रांसफॉर्म करना था। हालांकि ये इनिशिएटिव कई सेक्टर्स के लिए था, पर सिग्निफिकेंट फोकस इंडिया की डोमेस्टिक डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज़ को स्ट्रॉन्ग करने पर ही था, और प्राइमरी गोल इंडिया की फॉरेन आर्म्स सप्लायर्स पर डिपेंडेंसी को कम करना और एक रोबस्ट डिफेंस इंडस्ट्री को बिल्ड करना था। पर इस एनालिसिस में हम ये देखेंगे कि मेक इन इंडिया इनिशिएटिव ने जाने अनजाने में कुछ सर्टेन वेपन्स की इंडिजिनस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को कैसे इंक्रीज किया है, क्योंकि अगर उन्हीं वेपन्स को डायरेक्टली इंपोर्ट किया जाता तो उनकी कॉस्ट कम होती एज कम्पेयर टू द इंडिजिनस प्रोडक्शन। मेक इन इंडिया इनिशिएटिव का जो मेन कॉम्पोनेंट है वो है ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी, जिसके लिए इंडियन फॉर्म्स फॉरन ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर यानी OEMs के साथ कोलेबरेट करती हैं, क्योंकि कॉम्प्लेक्स डिफेंस सिस्टम्स की मैन्युफैक्चरिंग में इंडियन कंपनीज के पास इतना अनुभव नहीं होता, जिसकी वजह से उनको फॉरेन OEM से टेक्निकल असिस्टेंस और ट्रेनिंग की खास ज़रूरत पड़ती है। और इंडिजिनस कैपेबिलिटीज़ को बिल्ड करने के लिए टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र का प्रोसेस बहुत ही क्रूशल है, बट इसमें बहुत सारी हिडन कॉस्ट्स भी हैं, जैसे कि लाइसेंसिंग फीस, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र कॉस्ट्स और फॉरेन कंपनीज के प्रॉफिट मार्जिन्स जो वेपन सिस्टम्स की फाइनल प्राइस को बढ़ाती हैं। सुखोई 30 की एग्जांपल लें तो स्टार्टिंग में कुछ यूनिट्स को इंडिया ने डायरेक्टली प्रोक्योर किया था, बट सिग्निफिकेंट नंबर्स को अंडर लाइसेंस डोमेस्टिकली प्रोड्यूस किया गया। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग सुखोई 30 की कॉस्ट को देखें तो इंडिया में प्रोड्यूस किए गए सुखोईस की कॉस्ट ज़्यादा है, बट अगर उनको डायरेक्टली इम्पोर्ट किया जाता तो कॉस्ट कम होती। ये इंक्रीज्ड कॉस्ट इसलिए है क्योंकि इसमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र फीस, ट्रेनिंग कॉस्ट्स और रशियन एक्सपर्ट्स से कॉन्टीन्यूस टेक्निकल सपोर्ट जैसी चीज़ें शामिल हैं। इसी तरह इंडिया रशिया के AK-203 राइफल्स के ज्वाइंट वेंचर की बात करें तो इन राइफल्स की प्रोडक्शन कॉस्ट में भी सिग्निफिकेंट इंक्रीज देखने को मिला है, जिसका कारण है नए मैन्युफैक्चरिंग प्लांट की एस्टैब्लिशमेंट, इंडियन पर्सोनल की ट्रेनिंग और क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड्स को इंश्योर करना, ताकि राइफल्स के ओरिजिनल रशियन डिज़ाइन और परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स को अचीव किया जा सके। इसके बाद बात करें इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल की। इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल डिफेंस प्रोक्योरमेंट प्रोसेस में बहुत ही अहम रोल अदा करती हैं, जो वेपन सिस्टम प्रोडक्शन की एफिशिएंसी और कॉस्ट को इम्पैक्ट करती हैं। एस्टैब्लिश्ड फॉरेन वेंडर्स के पास ज़्यादातर वेपन सिस्टम्स को लार्ज क्वांटिटीज़ में प्रोड्यूस करने की एडवांटेज रहती है, जिससे सिस्टम्स की पर यूनिट कॉस्ट काफ़ी हद तक कम हो जाती है, और लोअर कॉस्ट की वजह से ग्लोबल मार्केट में उनके प्रोडक्ट्स की कंपेटिटिवनेस कई गुना बढ़ जाती है। पर दूसरी तरफ मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट्स में ज़्यादातर स्मॉल क्वांटिटीज़ में ही प्रोडक्शन होती है, जिससे पर यूनिट कॉस्ट अल्टीमेटली बढ़ जाती है। लार्ज क्वांटिटीज़ में प्रोडक्शन के अलावा एस्टैब्लिश्ड फॉरेन वेंडर्स के पास जो और एडवांटेजेस हैं वो है एक्सटेंसिव एक्सपीरियंस और एस्टैब्लिश्ड इंफ्रास्ट्रक्चर। और क्योंकि वो वेपन सिस्टम्स को कई सालों से प्रोड्यूस करते आ रहे हैं, सो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो प्रोडक्शन प्रोसेसेस को रिफाइन करके ग्रेटर एफिशिएंसी हासिल कर चुके हैं। फॉर एग्जांपल USA की लॉकहेड मार्टिन और बोइंग कंपनीज जो फाइटर जेट्स और एडवांस्ड वेपन सिस्टम्स प्रोड्यूस करती हैं, उनकी लॉन्ग स्टैंडिंग प्रोडक्शन लाइंस और एस्टैब्लिश्ड सप्लाई चेन्स की वजह से उनको लार्ज क्वांटिटीज में सिस्टम्स को प्रोड्यूस करने में मदद मिलती है, जिससे पर यूनिट कॉस्ट बहुत कम हो जाती है। बट दूसरी ओर नए मैन्युफैक्चरर्स जैसे इंडिया, जहां पर डिफेंस इंडस्ट्री के पास ना ही तो उस लेवल का एक्सपीरियंस है और ना ही इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबिलिटी, ऐसे केसेस में इंडिया के लिए डिफेंस प्रोडक्शन में इकोनॉमीज ऑफ स्केल हासिल करना बहुत मुश्किल होगा। एस्टैब्लिश्ड फॉरेन वेंडर्स के पास जो इसके बाद और एडवांटेज है वो है मल्टीपल कंट्रीज से लार्ज ऑर्डर्स को सिक्योर करना, क्योंकि इन बड़े वेंडर्स के पास एक ग्लोबल कस्टमर बेस ऑलरेडी बना हुआ है। फॉर एग्जांपल F-35 फाइटर जेट, जिसको लॉकहीड मार्टिन प्रोड्यूस करती है, उसको USA के साथ UK और जापान जैसी कई और कंट्रीज़ भी यूज़ कर रही हैं।
सो क्योंकि इन फाइटर जेट्स की प्रोडक्शन लार्ज क्वांटिटीज़ में हो रही है, सो फिक्स्ड कॉस्ट्स लार्ज नंबर ऑफ़ यूनिट्स में स्प्रेड हो जाती हैं, जिससे पर यूनिट कॉस्ट काफ़ी हद तक कम हो जाती है। दूसरी तरफ मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट्स, जहाँ इंडियन फर्म्स का प्राइमरी कस्टमर सिर्फ इंडियन आर्म्ड फोर्सेज ही हैं, जिससे लार्ज प्रोडक्शन रन्स और इकोनॉमीज ऑफ स्केल की पोटेंशियल काफ़ी हद तक लिमिटेड हो जाती है। फॉर एग्जांपल HAL के LCA तेजस की सिंगल यूनिट की प्रोडक्शन कॉस्ट, लॉकहीड मार्टिन के F-16 फाइटर की सिंगल यूनिट की प्रोड्यूसिंग कॉस्ट से ज़्यादा है। वो इसलिए क्योंकि तेजस की प्रोडक्शन बहुत लिमिटेड है, जिसको सिर्फ इंडियन एयरफोर्स के लिए ही प्रोड्यूस किया जा रहा है। बट दूसरी ओर लॉकहीड मार्टिन द्वारा F-16 को पिछले 4 दशक से प्रोड्यूस किया जा रहा है और वर्ल्ड वाइड करंटली 3100 से ज़्यादा F-16s ऑपरेशनल हैं, जिसको 25 कंट्रीज़ की एयरफोर्सेस द्वारा ऑपरेट किया जा रहा है। बट तेजस की प्रोडक्शन अभी स्टार्ट हुई है और ऑर्डर्स को देखें तो वो सिर्फ IF के ही हैं और बहुत ही लिमिटेड नंबर्स में। मार्क वन की बात करें तो अभी IF HAL से 180 फाइटर्स ही प्रिक्योर करेगी। इसमें दूसरी चीज़, एडवांस्ड वेपन सिस्टम्स को डेवलप करने के लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी एक क्रूशियल फैक्टर है, जो कॉस्टली होने के साथ साथ टाइम कंज्यूमिंग भी है। एस्टेब्लिश्ड फॉरेन वेंडर्स के पास नए वेपन्स को डेवलप करने के लिए अपनी एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी और एक्सपर्टाइज को यूज़ करने की एडवांटेज रहती है। बट दूसरी ओर अगर हम इंडिया की बात करें तो तेजस फाइटर जेट की डेवलपमेंट में एक्सटेंसिव रिसर्च के साथ साथ फॉरेन पार्टनर्स के साथ कोलैबोरेशंस भी थी, जिससे ओवरऑल प्रोजेक्ट कॉस्ट काफ़ी बढ़ गई थी। बट हाँ, तेजस की डेवलपमेंट के बाद बाकी प्रोग्राम्स जैसे LCA मार्क 2, AMCA और ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर्स को डेवलप करने में इतना टाइम अब नहीं लगेगा। उसके बाद बात करते हैं नेगोशिएशन डायनामिक्स की। डिफेंस प्रोक्योरमेंट्स में नेगोशिएशन डायनामिक्स अक्सर कॉम्प्लेक्स और चैलेंजिंग होते हैं, खासकर इंडिया जैसी कंट्री के लिए जो वर्ल्ड का लार्जेस्ट डिफेंस इम्पोर्टर है। जब इंडिया किसी सिंगल फॉरेन वेंडर के साथ डील करता है तो वो नेगोशिएशंस के मामले में अक्सर स्ट्रॉन्ग पोजीशन में होता है, पर जैसे ही मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट्स की बात आती है तो इंडिया की बार्गेनिंग पोजीशन थोड़ी वीक हो जाती है, क्योंकि मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट्स में फॉरेन ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर के साथ साथ एक डोमेस्टिक पार्टनर भी होता है, जिससे नेगोशिएशन प्रोसेस में एक एडिशनल लेयर ऐड हो जाती है और नेगोशिएशन प्रोसेस में डोमेस्टिक कंपनी के इंटरेस्ट्स, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र और लोकल प्रोडक्शन फैसिलिटीज़ जैसे फैक्टर्स इंक्लूड हो जाते हैं, जो नेगोशिएशंस को कॉम्प्लेक्स करने के साथ साथ डिले का कारण भी बनते हैं और डायरेक्ट इम्पोर्ट्स के मुकाबले प्रोजेक्ट की ओवरऑल कॉस्ट भी बढ़ जाती है। एक तरफ इंडियन गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना और फॉरेन सप्लायर्स पर डिपेंडेंसी को कम करना है, तो वहीं दूसरी ओर फॉरेन OEMs अपनी लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ को शेयर करने में भी इतने कंफर्टेबल नहीं होते और टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र्स और लोकल प्रोडक्शन से जुड़े रिस्क्स और कॉस्ट को कंपनसेट करने के लिए हायर प्राइसेस की डिमांड भी करते हैं, और ये बैलेंसिंग एक्ट ऐसे कॉम्प्रोमाइज़ का कारण बन जाता है जो हमेशा इंडिया के पक्ष में नहीं हो सकता। लोकल कंपनीज़ के पास डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट्स की स्ट्रिंजेंट रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए कभी कभी नेसेसरी एक्सपीरियंस और कैपेबिलिटीज़ की कमी भी होती है, जिससे डिलीवरीज में डिले के साथ कॉस्ट भी इंक्रीज होती है। ये इशू अर्जुन मेन बैटल टैंक्स के केस में देखा जा चुका है, जहां पर मल्टीपल सप्लायर्स की इन्वॉल्वमेंट और एक्सटेंसिव टेस्टिंग और मॉडिफिकेशंस की नीड्स के बाद प्रोजेक्ट की ओवरऑल कॉस्ट भी इंक्रीज हुई और टैंक्स की डिलीवरीज में भी डिले हुआ। अनदर फैक्टर जो इंडिया की बार्गेनिंग पोजीशन को इम्पैक्ट करता है वो है रेगुलेटरी और ब्यूरोक्रेटिक एनवायरनमेंट। इंडिया के डिफेंस प्रोक्योरमेंट प्रोसेस के स्लो और हैक्टिक होने को अक्सर क्रिटिसाइज किया जाता है, जिसमें अप्रूवल्स की मल्टीपल लेयर्स शामिल होती हैं, जिससे डिलेज होते हैं, जो इंडिया की नेगोशिएशन पोजीशन को और कमज़ोर करता है। फॉर एग्जाम्पल, ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स और रेगुलेटरी इशूज़ के कारण USA से M777 हॉवेडजर्स की प्रोक्योरमेंट में लंबा डिले हुआ, जिससे इंडिया के लिए हायर कॉस्ट्स और लेस फेवरेबल टर्म्स की स्थिति पैदा हुई। इसके बाद जियोपॉलिटिकल फैक्टर्स जैसे इंडिया की USA, रशिया, फ्रांस और इसराइल के साथ स्ट्रेटजिक रिलेशनशिप्स भी इंडिया की डिफेंस डील्स की शेपिंग में एक अहम रोल अदा करती हैं। जैसे इंडिया का रशिया से S-400 परचेज करने का डिसीज़न इस मिसाइल सिस्टम की टेक्निकल कैपेबिलिटी से ही इन्फ्लुएंस नहीं था, बल्कि इसमें रशिया के साथ
डिफेंस टाइज मेंटेन करने की स्ट्रेटजिक इम्पोर्टेंस भी कहीं ना कहीं नज़र आती है। सो इस तरह के जियोपॉलिटिकल विचार कभी कभी इंडिया की नेगोशिएटिंग पावर को सीमित कर सकते हैं। लास्ट में, जबकि मेक इन इंडिया इनिशिएटिव का उद्देश्य डोमेस्टिक डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट करना और फॉरेन सप्लायर्स पर डिपेंडेंसी को कम करना है, पर इसमें बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटीज और कॉस्ट फैक्टर्स भी हैं जो डिफेंस प्रोक्योरमेंट की कॉस्ट एफिशिएंसी और ओवरऑल इफेक्टिवनेस को इम्पैक्ट करती हैं। टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र कॉस्ट्स, इकोनॉमीज ऑफ स्केल और नेगोशिएशन डायनेमिक्स जैसे हमने बात की है, ये क्रिटिकल फैक्टर्स हैं जिन्हें केयरफुली मैनेज करने की ज़रूरत है ताकि कंट्री के फाइनेंशियल और स्ट्रेटजिक इंटरेस्ट से समझौता किए बिना अपने गोल्स को अचीव किया जा सके।